हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। DSSSB के लिए पैडागोजी स्पेशल क्लासेस जो हैं हमारी चल रही हैं, जिसमें आज 8th क्लास है हमारी, यानी कि 8th चैप्टर जो है हम कवर करेंगे 11th क्लास की साइकोलॉजी की NCERT का। ठीक है, तो उसका ये जो चैप्टर है इसका नाम है जी थिंकिंग। देखने में तो सोचने में तो ऐसे लगेगा कि अच्छा ठीक है, थिंकिंग ही तो है, सोचने की ठीक है, टाइप्स पढ़ लिए या कुछ और चीजें पढ़ ली, बट इसमें काफी डीप में जो है चीजें दे रखी हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ओके, सो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी प्लेलिस्ट में थिंकिंग जो है, जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है किस चीज़ में, बीएड के लिए, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है, तो एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि वो अलग चीज़ें मैंने करवाई थी, बट एनसीईआरटी में कुछ अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो दोनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगें तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, तो इतना तो बनता है, फ्री में आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए थिंकिंग। तो देखा जाए तो क्या है ये, एक मेंटल प्रोसेस है सिर्फ, मतलब जिसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होंगी। कैसे बनेंगी वो, फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरेक्शन। यानी जब आप इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पे जो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बनती है, जैसे हम बोलते हैं कि पियाजे ने जो है वो स्कीमा दिए, या पियाजे ने अडेप्टेशंस की बात की या एसिमिलेशन की बात की, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो इमेज बनाएंगी। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पेड़ के बारे में सोचिए, तो आपके दिमाग में एक पेड़ की तस्वीर तो आ जाएगी ना, थोड़ा इमेजिन तो आप कर लेंगे ना। तो थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जी, जिसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू बनती हैं। ओके, सो इसके अंदर अगर हम फर्दर बात करें अच्छे से, सो थिंकिंग ही जो हम बोल रहे हैं, सोचना किसी भी चीज के बारे में, कोई भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो मेंटल प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी चीज पे, सो वो जो थिंकिंग है वो बेस है सारी की सारी कोगनेटिव एक्टिविटीज का, या जितने भी कोगनेटिव प्रोसेसेस चल रहे हैं, मतलब जो भी संज्ञानात्मक क्रियाएं या एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी का बेस क्या है, मतलब नींव क्या है, थिंकिंग है। ठीक है, एंड इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली हम ऐसा मान के चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स सोचते हैं, सो ये यूनिक है थिंकिंग का प्रोसेस। इसमें मैनिपुलेशन भी आएगी, एनालिसिस भी आएगी इंफॉर्मेशन की, मतलब जो भी हमने सेंसेस से गेन की इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जब हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं या उसको मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, थिंकिंग में आ जाएंगी, यानी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स की बात करें, तो बिल्डिंग ब्लॉक में ये आ जाते हैं, एक तो मेंटल इमेज, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक इन द सेंस कि जब आप कुछ सोच रहे हैं तो जो थॉट है आपका उसके क्या क्या स्तर हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक मतलब वो किस किस चीज से बना है। ठीक है, जैसे ये मान लो घर है, घर जो है वो ईंट से बना है। ओके, तो ईंट जो है उस घर की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही थॉट के बिल्डिंग ब्लॉक की जब हम बात करेंगे, तो उसमें मेंटल इमेज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट या सिंबल्स या साइन, लैंग्वेज, मस्कुलर एक्टिविटीज। तो देखिए लैंग्वेज हम अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले, मतलब इसी लेक्चर में, सिंबल्स और साइंस या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो मेंटल इमेज क्या होता है, तो जो भी इमेज एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बनती है, जो भी आपका सेंसरी एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मान लो आपके दिमाग में ये जो साइड में ऐसे पिक्चर सी बनी हुई है दो बल्ब टाइप के, सो इनकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बन जाएगी जैसे ही आप इनको देखेंगे। तो देखना यानी आपने अपने सेंसेस का यूज किया, मतलब आंखों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ, और उसकी वजह से एक मेंटल लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं मेंटल इमेज। ठीक है, अब ये किसी कहीं भी यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स, प्लेस, इवेंट, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। मेंटल इमेज किसी भी चीज की बन सकती है। ओके, अब थिंकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो ये मैनिपुलेशन की, एनालिसिस की, ये सब बातें हम कर रहे हैं ना, वही सारी चीजें थिंकिंग में आ जाएंगी। मतलब आप, क्योंकि हमने यही तो बोला है कि अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, अब उनका तरीका क्या होगा, अब तरीका एब्स्ट्रैक्टिंग हो सकता है, आप दिमाग में ही सोच रहे हैं, रीजनिंग हो सकता है, इमेजिन कर रहे हैं आप चीजों को, या प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका हो सकता है, जज करना या डिसीजन मेक करना, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करेंगे या एनालाइज करेंगे। और ये जो तरीके की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ही तो आ गए ना, रास्ते में ही तो है ये, तो ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में आ जाएंगे। अब बुक में दे रखा है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, यानी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थिंकिंग क्या हो गई, गोल डायरेक्टेड हो गई। मान लो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ए प्रेजेंट है, हमें उसको सॉल्व करना है, तो हमारा गोल क्या है, गोल ये है कि ये जो ए है इसको सॉल्व करना है, तो वो गोल डायरेक्टेड हो गई ना। यानी आपके पास जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे कुछ ना कुछ गोल आपके पास होगा। ओके, जैसे पूरे दिन में जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारे गोल ओरिएंटेड ही तो होते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे शाम तक ये काम करने हैं, उसके बाद वहां जाना है, ये करना है, तो वो क्या है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो पार्ट रहेगा थिंकिंग में। ओके, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर इज अ इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल स्टेट होगी हमारी वो प्रॉब्लम हो गई, और जो एंड स्टेट होगी वो क्या होगी, हमारी गोल होगी, क्योंकि उस गोल के लिए ही हम काम कर रहे थे और इनिशियली एक प्रॉब्लम को लेके हमने चीजों को शुरू किया था। ठीक है, अगर हम ऑब्स्टेकल्स की बात करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहली है दो यहाँ पे दो मेजर ऑब्स्टेकल्स या दो मेजर हर्डल्स जो हैं वो यहाँ पे बुक में मेंशन है। पहला है मेंटल सेट, कि आपका मेंटल लेवल कैसा है, आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, और दूसरा रहेगा लैक ऑफ मोटिवेशन। तो मेंटल सेट क्या होता है कि आप किसी भी चीज को करने के लिए, वो होता है ना कई बार कि किसी के घर में एक पर्टिकुलर तरीके से सब्जी बनती है तो वैसे ही बनेगी, तो वो मेंटली सेट है चीजें। यानी आप जब कोई भी चीज को करते हैं या कोई काम करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपने जो ऑलरेडी ट्राई की हुई है चीजें आप वैसे ही उसको एक्सपीरियंस के बेस पे करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका मेंटल सेट होगा। यानी मेंटल सेट एक टेंडेंसी है किसी भी इंसान की टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग ऑलरेडी ट्राइड मेंटल ऑपरेशंस, यानी जो स्टेप्स जो प्रोपरेशन आप पहले ट्राई कर चुके हैं, आपको पता है कि इस तरीके से करूंगा तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी, पहले भी कर रखा है। इट्स लाइक आपको एक थ्योरी या थ्योरम जो है वो बता रखी है, और उस थ्योरम से आपने एक सम जो है वो निकाल दिया, और उसके बाद आपसे अगला आपने देखा कि अरे ये तो वैसा सही है, तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो वो आपका मेंटल सेट है। ओके, यानी एक पर्टिकुलर तरीका जो आप पहले अपना चुके हैं, तो वो एक हर्डल हो सकता है कि आप जो है कोई भी नई प्रॉब्लम आएगी आप ओपन नहीं होंगे, थोड़े से रिजिड होंगे, और उसी तरीके से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो प्रायर सक्सेस विद पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वुड समटाइम्स हेल्प इन सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम। कई बार कर जाती है वो चीज, बट कई बार जो है वो रिजिडिटी का भी काम करती है, रिजिडिटी क्रिएट कर देती है कि आप वैसे ही उस चीज को करना चाह रहे हैं, कई बार जो है ये चीज वैसे नहीं होगी, जब नहीं होगी तो वो दिक्कत आएगी, यानी कि कुछ अलग रूल्स या कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती थी उसके करने के लिए। ठीक है, कुछ एक सिचुएशन में मेंटल सेट जो है वो एनहेंस कर देता है क्वालिटी को या स्पीड को, कुछ एक में फिर हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। तो जहां पे उसी तरीके से जो आपने पहले कर चुकी हैं आप वैसे तरीके से काम, जो आपका मेंटल सेट है वैसे उसी टेंडेंसी से जब आप चीजों को करने की कोशिश करते हैं, अगर वो सॉल्व हो रही है तो वो कंपैरेटिवली स्पीड से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जब वो सॉल्व नहीं हो रही होगी कुछ एक सिचुएशंस में, तो वो हिंड्रेंस जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बन जाएगी। ओके, दूसरा हमने पढ़ा लैक ऑफ मोटिवेशन, कि आपको मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना भी चाह रहे हैं या नहीं, या आपका मोटिवेशन क्या है कुछ चीज को सॉल्व करने का, तो अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा। अब ये दूसरी चीज हमने अभी तक पढ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है रीजनिंग। तो रीजनिंग क्या होता है, किसी भी चीज के लिए कारण देना ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि रेलवे स्टेशन पे एक इंसान बस भागे जा रहा है, और एक इंसान उसको क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है। मान लो मैं अपने फ्रेंड को छोड़ने गई रेलवे स्टेशन और मैं बैठ के नोटिस कर रही हूँ क्या क्या हो रहा है, तो एक मैंने देखा कि एक पर्सन जो है वो बहुत डेस्परेटली बस भागे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो अब मैं अपने हिसाब से कि ये क्यों भाग रहा है उसका रीजन तो सोचने की कोशिश करूंगी ना, कि मे बी ये ट्रेन के पीछे भाग रहा हो, इसकी ट्रेन छूट रही हो। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यूजुअली ऑब्वियसली अगर कोई इंसान ट्रेन के आसपास या ट्रेन के पीछे भागता हो मुझे दिख रहा है तो मैं यही सोचूंगी ना, तो वो क्या है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जनरल चीजों के बेस पे है। ओके, तो वो आपने कारण देने की कोशिश की है। जब आप कारण देने की कोशिश करते हैं तो दो तरीके से आप किसी भी चीज के कारण दे सकते हैं, एक होगा डिडक्टिव और एक होगा इंडक्टिव, यानी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, या जनरल टू पर्टिकुलर होगी, या इसको बोल देते हैं जनरल टू स्पेसिफिक।
अगर वर्ड्स की मैं ध्यान दूं तो आप जनरल टू स्पेसिफिक याद रख सकते हैं. ओके, सो ये किस तरीके की रीजनिंग है? द रीजनिंग विच बिगिंस विद एन अजम्पशन, यानी आपके पास ऑलरेडी कोई एक जनरल परसेप्शन है, मुझे पता है, मतलब मैंने पहले देखा है ये चीज को और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये इंसान जो अभी ट्रेन के पीछे भाग रहा है, हो सकता है इसकी ट्रेन छूट रही होगी. ठीक है, सो वो क्या, एक अजम्पशन से शुरू हुई है चीजें, तो वो जनरल चीजें हैं, जनरल स्टेटमेंट थी जो आपने उस भागते हुए इंसान के ऊपर अप्लाई कर दी, तो वो स्पेसिफिक हो गई स्पेसिफिक सिचुएशन में. ओके, सो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आपको एग्जाम्पल जो है वो जाता हुआ दिखेगा. जैसे एक और एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, यानी सभी कुत्तों के कान होते हैं. गोल्डन रिट्रीवर्स आर डॉग्स, गोल्डन रिट्रीवर एक स्पीशीज है ना, मतलब कुत्तों का टाइप है. ठीक है, इसीलिए गोल्डन रिट्रीवर के भी कान होंगे, हैव ईयर्स हैं वो. ठीक है, तो वो ऑल से शुरू की हमने चीजें, ऑल मतलब जनरल, सब की बात कर रहे हैं. फिर हम स्पेसिफिक पे आए गोल्डन रिट्रीवर पे, और वहां से फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अच्छा गोल्डन रिट्रीवर के भी कान होते हैं. ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, यानी कि आपके वो होता है ना जनरल टू स्पेसिफिक को टॉप डाउन क्यों बोलते हैं, कि ये जनरल था, सबके लिए एप्लीकेबल था. ठीक है, लेकिन अब आप स्पेसिफिकली किसी इंसान के ऊपर जा रहे हैं कि अच्छा ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो वो टॉप से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हैं, तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा. लेकिन इसमें मिस्टेक कर सकते हैं हम, एक मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, कि जो हम अजम्पशन कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो. ठीक है, सो बट डू नॉट ऑलवेज नो इफ द बेसिक स्टेटमेंट या जो अजम्पशन है हमारा वो सही भी है या नहीं है. ओके, तो ये एक मिस्टेक यहां पे हो सकती है. अब अगर वो जनरल टू स्पेसिफिक था, देखिए आप इसको याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डी और आई. ठीक है, अब हमारे जनरल टू स्पेसिफिक होगी एक चीज और एक होगी स्पेसिफिक टू जनरल. तो आप अल्फाबेटिकली याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली एक तो डी पता होना चाहिए, डी फॉर डिडक्टिव, आई फॉर इंडक्टिव, जी फॉर जनरल और एस फॉर स्पेसिफिक. ओके, सो ए बी सी डी ई, ये मैं आपको निमोनिक्स बता रही हूं. डी यानी डिडक्टिव, ठीक है, डी से डिडक्टिव, डी पहले आया, डी देन ई एफ जी, जी ओके, जी जनरल पहले आया, यानी डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे और इंडक्टिव में इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल. सो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं इस तरीके से इसको याद रख लेती हूँ कि अल्फाबेटिकली कई बार कंफ्यूजन हो जाए, तो अल्फाबेटिकली जाके आप ए बी सी डी ई एफ जी देखेंगे, तो डी जो डिडक्टिव जो है वो जनरल, जनरल से कहां जाएगा, स्पेसिफिक जाएगा. ओके, तो ये डिडक्टिव का तरीका है याद करने का. अब अगर जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल यानी सब लोग, स्पेसिफिक यानी आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जा रहे हैं, तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई. ठीक है, देन है इंडक्टिव रीजनिंग. सो ये रीजनिंग में क्या होगा, ये स्पेसिफिक फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगी. इसके अंदर जो जनरल कंक्लूजन है, मतलब हम स्पेसिफिक से निकालते हैं, स्पेसिफिक किसी इंसान का हमने कोई एक्सपीरियंस देखा कि अच्छा मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो गाड़ी के पीछे भाग रहा है, तो मैं ये स्पेसिफिक जो चीज है, मैं कभी किसी और को देखूंगी गाड़ी के पीछे भागते हुए, तो मुझे ये लगेगा क्योंकि मैंने वो स्पेसिफिक इंसिडेंट देखा था, उस बेसिस पे मैं बोल रही हूं कि अच्छा सभी लोग ट्रेन के पीछे भागते हैं. ठीक है, सो वो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर इंसान का एक्सपीरियंस है, या मान लो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं किसी सिचुएशन में जनरली उस स्टेटमेंट को एप्लीकेबल कर रही हूं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच, यानी आप इंडिविजुअल से जनरल पे जा रही हैं. तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होते हैं पता होना चाहिए, जैसे मोस्ट पिकॉक्स ईट ओट्स, तो जो मोस्टली पिकॉक्स हैं वो ओट्स खाते हैं, ये बर्ड जो है ये पिकॉक है, सो प्रोबेबली ये भी ओट्स खाता होगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ एक मोरों को ओट्स खाते हुए, तो ये भी मोर ही है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि हो सकता है ये भी खाता हो. ओके, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गई. अब रीजनिंग के बाद आप जजमेंट ही तो पास करेंगे ना, मतलब आपने रीजनिंग दे दी हो तो आपने अपना जजमेंट दे दिया. अब वो जजमेंट में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, जो जो अवेलेबल एविडेंसेस हमारे पास हैं, जो जो चीजें हमने देखी हैं, जो जो हमारा ओपिनियन था, उन सब के बेसिस पे. ठीक है, सो वो जो इतनी सारी चीजों में से हमने एक डिसीजन निकाला कि अच्छा ये वाला सही होगा. जैसे आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं चार क्वेश्चन पेपर में, तो आप चार में से एक जजमेंट पास करते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ये वाला सही है.
ओके तो डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से अलग होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो हम चीजें टॉप टू मतलब चीजें कोशिश कर रहे हैं ना सॉल्व करने की, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, एनालाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं। बट डिसीजन मेकिंग में हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है? तो वो आपका डिसीजन होगा डिसीजन मेकिंग। देन इन्होंने दे रखा है जी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। ऑल दो थिंकिंग के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो थिंकिंग के टाइप्स से रिलेटेड और एक थिंकिंग से रिलेटेड ये दो वीडियोस मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड की हैं, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करके आपको जो पका पकाया माल मिल रहा है तो उसको देख के एक बार नोट्स बना लीजिए। चलिए, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएट करना है कुछ नया, तो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब जो भी मेंटल प्रोसेस आप सोच रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो किसी भी मेंटल प्रोसेस के थ्रू जब एक नई इन्वेंशन, नया सॉल्यूशन या कोई भी सिंथेसिस किसी भी एरिया में निकल के आती है वो क्रिएटिव हो गई, ठीक है? सो क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है वो मे यूज प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, पहले से कोई चीज, ऑब्जेक्ट, आइडिया, चीजें हैं उसको इंक्लूड आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट एक नई रिलेशनशिप उसमें से निकल के आनी चाहिए। जैसे नई मशीन आपने बनाई, कोई सोशल आइडिया आप लेके आए जिससे क्रांति आ जाए, जो है कोई साइंटिफिक थियरी निकल के आई, कोई आर्टिस्टिक वर्क जो है वो बहुत बढ़िया अलग लगा तो वो क्रिएटिव हो गया, ठीक है? एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है बहुत सारों में से, एडी कार्वे, ये बॉटनिस्ट हैं हमारी कंट्री के, जिन्होंने हु गॉट यूकेज टॉप एनर्जी अवार्ड। तो टॉप एनर्जी अवार्ड इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने एक स्मोकलेस चूल्हा बनाया जिसमें से स्मोक जो है वो नहीं निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ड्राई और यूजलेस शुगर केन लीव्स इनटू अ क्लीन फ्यूल, तो उन्होंने ये चीजें यूज की तो वो स्मोकलेस चूल्हा बन गया, ठीक है? तो ऑब्वियसली शुगर केन लीव्स पहले भी रहती थी, मतलब एग्जिस्ट तो करती थी ना, चूल्हे पहले भी होते थे, लेकिन उन्होंने स्मोकलेस बनाने की कोशिश की, उसको बनाया उसको, तो ये क्या हो गया, एक नया आइडिया हो गया, नई इन्वेंशन हो गई, ये क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। ओके, नेचर क्या होगा क्रिएटिव थिंकिंग का? सो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बाकी तरीके की थिंकिंग से हम उसको अलग रख सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? इसमें नोवेल और ओरिजिनल आइडियाज या सॉल्यूशंस जो है प्रॉब्लम के निकल के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज मतलब नए तरीके से आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो क्रिएटिव कब होगी? जब उसमें नोवेलिटी होगी और ओरिजिनैलिटी होगी, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। और ये ना कई क्रिएटिव थिंकिंग की और भी चीजें हैं, तो ये दो तो आपको याद रखनी है, नोवेलिटी और ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसको इफेक्टिव सरप्राइज भी बोला है, किसने? ब्रूनर ने। तो ये नाम याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि हु सेड द मतलब इफेक्टिव सरप्राइज किसने बोला क्रिएटिव थिंकिंग को, तो वो ब्रूनर ने बोला जी। रिसर्चर जो है उन्होंने और जो कैरेक्टरिस्टिक निकाली, जो हम बोल रहे थे ना ओरिजिनल और नोवेल होना चाहिए, नया होना चाहिए, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज क्रिएटिव है तो क्रिएटिव कब बोलेंगे उसको, नोवेल हो, ओरिजिनल हो, रियलिटी ओरिएंटेड हो, ऐसा ना हो कि अनरियलिस्टिक कुछ बना के रख दिया, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और सोशली उसका यूज भी होना चाहिए कि वो सोशली डिजायरेबल है, सोशल लेवल पे उसकी जरूरत है। ओके, इसी सीरीज में जेपी गिलफर्ड, नाम तो सुना ही होगा आपने, जेपी गिलफर्ड जो है उन्होंने क्रिएटिविटी रिसर्च के पायनियर में से एक है वो, तो उन्होंने प्रपोज किया दो टाइप ऑफ थिंकिंग, एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक करेक्ट आंसर होना, so refers to the thinking that is required to solve problems which have only one correct answer, yani aapka mind jo hai wo converge karega sari cheezon ko aur ek solution pe pahunchega। jaise hame char options milte hain, char mein se hum ek sahi batate hain aur ek hi sahi hoga usme se, to wo convergent thinking hai। okay, jab aap subjective answer likh rahe hote hain so wahan pe kuch ek cheeze open ended ho sakti hain, to wo kis mein aa jayega, divergent thinking mein। jab aap alag alag answers likh sakte hain, soch sakte hain, maan lo kisi particular topic pe आपको ऐसे लिखने को दिया, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का काम हो गया, ठीक है? तो सच काइंड ऑफ थिंकिंग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि ओपन एंडेड है तो ये नोवेल और ओरिजिनल आइडियाज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग ही तो हेल्प कर रही है ना नए आइडियाज के लिए, यानी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, ठीक है? सो डाइवर्जेंट थिंकिंग की एबिलिटीज जो जेपी गिलफर्ड ने बताई,
फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। अब ये मतलब क्या है इनका? फ्लुएंसी मतलब कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज फॉर अ गिवन टास्क और अ प्रॉब्लम। ऐसा ना हो कि एक ही आइडिया दे दिया, अभी तभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि हमें बहुत सारे आइडियाज चाहिए सडनली, उन बहुत सारों में से हम देखेंगे कि कौन सा बेटर है। तो वो फ्लुएंसी, वो वाली एबिलिटी होनी चाहिए अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिकेट्स वेराइटी इन थिंकिंग, कि कितना अलग अलग किसी चीज पे सोचा जा सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल हो चीजें। देन ओरिजिनल हो, ऐसा ना हो कि आपने पहले पुरानी कोई चीज चेप दी थोड़ा सा नए फॉर्म में, तो ओरिजिनल होना चाहिए आइडिया। इलेबोरेशन हो, इलेबोरेशन इज द एबिलिटी दैट इनेबल्स अ पर्सन टू गो इन टू डिटेल एंड वर्क आउट इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज। सो इलेबोरेट कर पाए, मतलब ये एबिलिटी हो गई जिसके अंदर एक इंसान जो है वो डिटेल में जाएगा किसी चीज में, मतलब इलेबोरेट करेगा उस पर्टिकुलर आइडिया को। ओके, तो हमें ये समझ आ रहा है इतनी देर में कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है अगर वाइड रेंज ऑफ आइडियाज की बात हो रही है तो, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो जरूरी है अगर अप्रोप्रिएट या मोस्ट यूजफुल आइडिया की बात हो रही है तो, क्योंकि मोस्ट यूजफुल या मोस्ट अप्रोप्रिएट तो चार में से एक ही ऑप्शन से ही बताएंगे ना, ठीक है। डाइवर्जेंट में हो जाएगा कि चारों में से कोई भी सही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कोई भी आइडिया सही हो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ओके, अब प्रोसेस क्या रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग का, किस तरीके से आप सोचेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्रिएटिव प्रोसेस का डेफिनेटली ये रहेगा कि क्या दिक्कत है, मतलब नीड टू थिंक और ब्रिंग आउट समथिंग न्यू विच इनिशिएट द एफर्ट। तो जो एफर्ट की शुरुआत है वो कहाँ से होगी? वो सबसे पहली स्टेज से होगी, प्रिपरेशन स्टेज, जिसमें आपके पास एक प्रॉब्लम या एक टास्क हाथ में होना जरूरी है जिसको आप एनालाइज करेंगे, फिर उसके फैक्ट्स वगैरह ढूंढेंगे, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढेंगे। तो ये है प्रिपरेशन स्टेज, ठीक है। दूसरी स्टेज होगी जब आप ये आइडियाज पे काम कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कई बार होता है ना कि आप स्टक कर जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता और आप समझ नहीं पाते कि कैसे क्या कनेक्ट करें। जैसे आपने कई वेब सीरीज अगर कोई देखी हो जिसमें वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और कई जगह आके स्टक हो जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। फिर वो अब क्या करें वाली जो स्टेज है ना, जहां पे आप स्टक हो रहे हैं और प्रॉब्लम में ही हैं, और कई बार हो सकता है कि आप जो है यहां पे आके उस प्रॉब्लम को छोड़ भी दें तो वो फेलियर हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है ये है इंक्यूबेशन। अब इस स्टेज से निकल के सडनली आपको याद आता है, वेब सीरीज अगर देखे तो उसमें अरे ये था सही, तो वो आपको सडन जो आइडिया आता है ना, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, आहा आई हैव फाउंड इट, तो वो एक जो आहा वाला मोमेंट होता है वो यहाँ पे आएगा, तो स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये जो मोमेंट है ये कौन सी लर्निंग थियरी में या किसने यूज किया है, यूरेका मोमेंट भी बोल देते हैं बहुत बार, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी। अब मैं पूछ लेती हूँ, कई बार मुझे पता होता है आप लोग नहीं करते, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं होता, अगर पता होता है तो कर दिया कीजिए, नहीं पता होता है तो सर्च करके कर दिया कीजिए, ताकि आप सोचें तो कि क्या चीज थी वो याद रहे आपको, ठीक है। ये लर्निंग थियरीज में मैंने करवा रखा है अगर आपने देखी होंगी तो। ओके, तो ये स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन होगी जहां पे वो आइडिया आपको आ गया इंक्यूबेशन से निकल के। देन लास्ट स्टेज रहेगी वेरिफिकेशन की, जहां पे जो वर्थ या अप्रोप्रिएटनेस है आपकी आइडिया की उसको टेस्ट किया जाएगा, जज किया जाएगा कि क्या चीज सही है या नहीं है। ओके, अब भाई क्रिएटिव थिंकिंग में कुछ ना कुछ बैरियर्स तो आएंगे, हर जगह ही होती हैं दिक्कतें, मतलब इट्स लाइक चांद में भी दाग होते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समस्या तो आएगी ना। तो वो बैरियर्स क्या हैं क्रिएटिव थिंकिंग में? तो बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपकी एक पर्टिकुलर काम को करने की हैबिट बन रखी हो, तो वो हैबिट जो है वो आपके लिए एक बैरियर का काम करे कि आप क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। परसेप्चुअल जो है, परसेप्शन आपका जो पर्टिकुलर चीज के लिए बन जाता है वो एक बैरियर हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन एक बैरियर हो सकता है। इमोशंस आपके या कल्चर जो है, पर्टिकुलर रिजिडिटी हो जहां पे, तो वो एक क्रिएटिव थिंकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक बैरियर का काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हम कैसे जो है क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज जो है यहाँ दिए हुए हैं बुक में, उसमें से मैंने कुछ एक जो है आप लोगों के लिए उठाए हैं, जिसमें आपको ये नाम तो डेफिनेटली याद रखना है, ओसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की इन्होंने बात की, जहां पे आप दिमाग में कुछ चीजें सोचते हैं, जैसे ब्रेन्स वो होता है स्टॉर्म की तरह, तूफान की तरह चीजें, तो वो तूफान की तरह आप अलग अलग आइडियाज सोचेंगे, अलग अलग चीजें अलग अलग एस्पेक्ट में, तो वो क्या हुआ एक तरीके से किसी भी आइडिया के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना हो गया। ओके, सो ये ओसबॉर्न ने दी थी ये टेक्निक, तो इस ओसबॉर्न का नाम याद रखना है आपको। ओके, आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं मोर फ्रिक्वेंटली इन एक्टिविटीज जहां पे इमेजिनेशन या ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब इमेजिनेशन वगैरह की जरूरत पड़े, ठीक है, रादर देन जो आपका रूटीन वर्क चल रहा है उसकी बजाय।
ठीक है, देन जनरेट एज मैनी एज आइडियाज रिस्पॉन्सेज सोल्यूशंस। तो आप वो अपने आइडियाज या थॉट्स की फ्लो को इंक्रीज करने के लिए कि आप कितनी जल्दी जल्दी आइडियाज सोच सकते हैं, ओके तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कभी भी आप जो है आपको कोशिश करनी चाहिए जो फर्स्ट आइडिया आपके दिमाग में आया आप उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको इम्प्रूव करें चीज़ों को, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला ही एक्सेप्ट कर लिया तो रिजिडिटी आ जाएगी, जो दिमाग में आया वही कर लेंगे। ऐसा एक फीडबैक होना चाहिए जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि ये सही है, अच्छा सोल्यूशन है भी या नहीं, और ये कौन डिसाइड करेगा, जो आप जो उस टास्क में लेस पर्सनली इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर पर्सनली इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी आपका आइडिया अच्छा लगेगा, आपकी चीजें अच्छी लगेंगी क्योंकि वो इन्वॉल्व है उसमें। जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो एक फेयर जो है चीजें आपको बता सकता है कि आइडिया जेन्युइनली कैसा है, ओके। बी अवेयर ऑफ योर ओन डिफेंसेस कंसर्निंग द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या उसमें डिफेंसिव मोड ले लेते हैं। कई बार होता है ना कि आप अगर किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं आप, थोड़े से उसको डिफेंड करने की, बचाने की कोशिश करते हैं, उसका फेवर करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो आपको अवेयर रहना कि ऐसा कुछ ना हो कि आपके डिफेंसेज जो हैं वो कहीं इस चीज को अफेक्ट ना करें, ओके। देन आता है जी लेटरल थिंकिंग। यहाँ से कुछ एक फैक्चुअल चीजें शुरू होती हैं जो आपको याद रखनी है। हमने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की, यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की। तो एडवर्ड डी बोनो ने क्या किया है, जो लेटरल थिंकिंग है उससे रिप्लेस कर दिया किसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। यानी गिलफर्ड ने जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी, यहाँ पे एडवर्ड डी बोनो उसको लेटरल थिंकिंग बोल रहे हैं। और ये लेटरल और वर्टिकल थिंकिंग में डिफरेंस भी बता रहे हैं। क्या डिफरेंस बता रहे हैं कि वर्टिकल थिंकिंग जो है उन मेंटल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहेगी जहां पे स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ बिटवीन लोअर एंड हायर लेवल कॉन्सेप्ट आप घूमते रहेंगे कि अच्छा ये बेसिक है, ये एडवांस है, बेसिक एडवांस है, मतलब आप इधर वर्टिकली ही घूमते रहेंगे आगे पीछे, ओके। बट लेटरल थिंकिंग में क्या होता है कि आप कुछ और अल्टरनेटिव आइडियाज या वेज या तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को और किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ये सिर्फ वर्टिकली रहेगा आगे पीछे, बेसिक या एडवांस तरीके से, यहां पे क्या रहेगा आपके पास अल्टरनेटिवली बहुत स्कोप रहेगा वर्टिकल थिंकिंग ना इसमें, लेटरल थिंकिंग में, ठीक है। तो उन्होंने वर्टिकल जो थिंकिंग है डिग्स द सेम होल डीपर, थिंकिंग डीपर इन द सेम डायरेक्शन। लेटरल थिंकिंग जो है क्या है, डिगिंग द होल एट अनदर प्लेस। यानी कि अगर हम वर्टिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू किया है तो मैं उसी में उसी को और गहरा करती जा रही हूँ। लेकिन लेटरल थिंकिंग ये तो हो गई वर्टिकल थिंकिंग कि आप कोई चीज पे काम कर रहे हैं उसी के बारे में डीप में काम करना सोचना। बट लेटरल थिंकिंग हो जाएगी कि अच्छा ठीक है ये गड्ढा खोद लिया, ओके अब मैं कोई दूसरी जगह जाके गड्ढा खोद रही हूँ, किसी दूसरी चीज पे सोच रही है, कोई दूसरा आइडिया सोच रही हूँ, ओके। सो ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इन्होंने सजेस्ट किया कि लेटरल थिंकिंग जो है कैन हेल्प मेक मेंटल लीप्स एंड इज लाइकली टू क्रिएट अ नंबर ऑफ वेज ऑफ थिंकिंग। तो अगर आप अलग अलग जगह गड्ढे खोद रहे हैं तो बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं ना, तो वही चीज है कि अगर आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज आपके पास हो सकते हैं, ओके। अब थिंकिंग में ही डी बानो ने 6 थिंकिंग हैट्स की बात की, 6 थिंकिंग हैट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के एग्जाम में भी इसी बार एक दो बार से या दो तीन मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन आया हुआ है इससे। सो मैं इंपॉर्टेंट मान के चल रही हूं कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो यहां से आने के चांसेस हैं, ओके। डी बानो ने 6 थिंकिंग हैट की टेक्निक को डेवलप किया, यानी आप अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं, ओके। तो ये 6 थिंकिंग हैट यानी 6 कलर देखा जाए तो उसमें क्या है, वन कैन पुट ऑन और टेक ऑफ दीज हैट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ थिंकिंग। जैसे मान लो आपको गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड फैक्ट फिगर फिलिंग गैप्स इन द इंफॉर्मेशन इन चीजों से रिलेटेड सोचना है तो व्हाइट हैट का नाम रहेगा, मतलब व्हाइट हैट किसका सिग्निफिकेंट है या व्हाइट हैट का मतलब क्या है। तो व्हाइट हैट कब बोल रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं फैक्ट और फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सी हैट के अंडर आएगा, तो वो व्हाइट हैट के अंडर आएगा, ओके। देन है जी रेड हैट, रेड में कवर होंगी फीलिंग्स इमोशंस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ब्लैक में कवर होगी जजमेंट कॉशन या कोई भी लॉजिक, येलो में कवर होगी थिंकिंग ऑन व्हाट विल वर्क एंड व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल कि क्या काम करेगा हमारे लिए और कितना क्यों काम करेगा, क्या क्या बेनिफिट है इसका, वो येलो हैट रहेगी। ग्रीन हैट जो है वो क्रिएटिविटी के लिए है या अल्टरनेटिव या और चेंज क्या ला सकते हैं, तो हरा रंग जो है वो क्रिएटिविटी का रंग है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये व्हाइट रेड ब्लैक येलो ग्रीन द 6 थिंकिंग हैट्स रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच एन इश्यू और प्रॉब्लम इज व्यूड। तो ये 6 अलग अलग तरीके हैं, 6 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जहां पे आप चीजों को सोच सकते हैं, ओके। 6 बोल रहे हैं हम लेकिन यहाँ पे, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 आई थिंक कुछ मिसिंग, अच्छा ओके ये रहा ब्लू हैट,
ठीक है, मैं सोच रही पांच कैसे हैं। छठी क्या है जी? ब्लू हैट है, ये रहा, डार्क करना भूल गई मैं इसको। ब्लू हैट रिप्रेजेंट करेगी थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस नॉट द आइडियाज एज सच, प्रोसेस क्या रहेगा। ओके, तो ये छह हैट्स रहेंगी। व्हाइट हैट में इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के बारे में, रेड हैट में फीलिंग और इमोशन के बारे में। रेड मतलब ऐसे वो लाल गुलाब याद रख लीजिए ना, कि लाल प्यार का रंग, तो वो फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है। व्हाइट जो है वो सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और किसी चीज से लेना देना नहीं है। येलो की अगर बात करें, ब्लैक की बात करेंगे तो जजमेंट होता ना, इसका तो काला दिल है, तो वो जज कर रहे हैं आप चीजों को, तो वो ब्लैक हैट हो गई। येलो हैट में क्या काम होगा, कैसे काम होगा, क्यों बेनिफिशियल है। ओके, जो जन ग्रीन हैट है उसमें क्रिएटिविटी, अल्टरनेट आइडियाज, और सोचिए और सोचिए। और ब्लू हैट में प्रोसेस, कि कैसे सोच रहे हैं आप चीजों को, कैसे, तो वो प्रोसेस जो है वो ब्लू हैट में आ जाएगा। तो ये छह थिंकिंग हैट है जी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन टॉपिक आता है आपका थॉट एंड लैंग्वेज का, यानी थॉट पहले आता है या लैंग्वेज पहले आती है या दोनों के ओरिजिन अलग अलग है, क्या चीज है। ओके, सो लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्टली ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स जो है वो बोल बोल के बात करते हैं। मेजर डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज में वो दो से पहले दो या तीन साल तक हो चुका होता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना है। ओके, लैंग्वेज एंड थॉट्स जो है वो इंट्रिकेटली रिलेटेड, तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो अभी हम बात कर लेते हैं। तो हम दो तीन चीजें देखेंगे, कि एक तो रिलेशनशिप देखेंगे हम लैंग्वेज और थॉट के बीच में। लैंग्वेज डिटरमाइन, यही तो देखना चाह रहे हैं ना, क्या रिलेशनशिप है। तो लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है थॉट को, या थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन कर रहा है, या दोनों का डिफरेंट ओरिजिन है। तो ये तीन चीजों के बारे में हम देखेंगे। इन तीन चीजों में ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। लैंग्वेज को डिटरमिनेंट बोल रहे हैं थॉट का, यानी लैंग्वेज पहले थॉट बाद में। तो वो बेंजामिन ली वॉर्फ वॉज द व्यू दैट वॉज ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द कॉन्टेंट ऑफ थॉट, कि आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे वो आप क्या थॉट, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, या क्या थॉट होगा आपका, कैसे आप डिलीवर करेंगे, वो चीज बाद में देखी जाएगी, बट लैंग्वेज पहले डिसाइड होगी। ओके, इसी को लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा, या लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है थॉट को। अगर थॉट डिटरमाइन करे लैंग्वेज को, तो ये जीन पियाजे ने बोला कि थॉट डिटरमाइन ना तो सिर्फ डिटरमाइन करेगा बट प्रोसीड भी करेगा, यानी थॉट पहले आएगा देन लैंग्वेज आएगी। दिमाग में आप चीजें पहले सोच रहे हैं, अब मतलब बच्चा तब भी सोच रहा है जब वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो वो थॉट पहले आएगा, लैंग्वेज बाद में आएगी। देन तो जीन पियाजे का नाम याद रखेंगे। डिफरेंट ओरिजिन में लिवे वाइगोट्स्की, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी बोला, आर्ग्यू किया, और इन्होंने पियाजे से उल्टी चीज बोली, एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, थॉट्स एंड लैंग्वेज डेवलप इन चाइल्ड सेपरेटली अंटिल अबाउट 2 years ऑफ एज व्हेन दे मर्ज। तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि वो अलग अलग डेवलप होंगे लैंग्वेज और थॉट, और 2 साल के बाद जो है वो मर्ज होना शुरू होंगे। ओके, चलिए, लैंग्वेज जो है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ सिंबल, लैंग्वेज में किसी भी तरीके के सिंबल प्रेजेंट होंगे, एक सेट ऑफ रूल होंगे जो उसको सिंबल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, और एक कम्युनिकेशन होगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स की बात करें, तो कोई ना कोई आप लिख के बोल के कैसे तो बताएंगे ना, जो भी सिंबल होगा आपका, और वो जो बोल रहे हैं उनको अरेंज करना, जो भी सिंबल्स हैं, जो लैंग्वेज है आपकी, उसके लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा फिर आपको चीजों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लैंग्वेज की, सिंबल है। सिंबल में क्या होता है, मतलब इट रिप्रेजेंट समथिंग या समवन, जैसे आप जहां रहते हैं वो आपका घर है, तो वो घर क्या है, सिंबल है। ओके, तो इस तरीके से आप जो आप खाते हैं वो क्या है, खाना है, जहां आप पढ़ते हैं वो स्कूल है, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, सिंबल है। तो सिंबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है समथिंग या समवन। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है जी हमारी रूल्स, ये जो स्कूल या जो भी चीजें हमने की, जैसे मैंने क्या किया, वह अलग अलग वर्ड्स को जो सिंबॉलिक थे उनको मिला दिया, तो बन गया आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो वो एक सिंबल बन गया, नॉट यानी स्कूल आई एम गोइंग आई, तो ये चीज नहीं, ये गलत हो जाएगी। तो वो आप एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके में उनको मिला रहे हैं, जिसका कुछ मतलब बनता है, आप कंबाइन कर रहे हैं वर्ड्स को, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो रूल्स के थ्रू, ये सेकंड बेस, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी लैंग्वेज की, कि हम जोड़ रहे हैं चीजों को, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज इज दैट इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग वन्स थॉट आइडियाज इंटेंशन एंड फीलिंग्स, तो कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो आप इसके लिए जेस्चर या पोस्चर्स का यूज कर सकते हैं। जब आप पोस्चर्स का यूज करते हैं लिखने पढ़ने की बजाय, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और जब आप साइन लैंग्वेज, क्योंकि जो बोल नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, वो भी तो कुछ ना कुछ चीजें बोलेंगे ना,
मतलब बताएंगे समझाएंगे, तो साइन लैंग्वेज जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ही मानी जाएगी। ओके, अब इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या जो यंग इन्फेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके की साउंड निकालते हैं, जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहली साउंड तो क्या होती है, क्राइंग, रोने लग जाता है वो। लेकिन शुरुआती स्टेज में वो जो रोना है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में रो रहा है, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अब इसको भूख लगी है, इसको ठंड लग रही है इसलिए रो रहा है, इसको मम्मी के पास जाना है इसलिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, मतलब पेन है, नींद नहीं आ रही है, क्या चीज। ठीक है, तो वो रीजन हमें नहीं पता होगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हम वो रीजन हमें समझ आने लग जाएगा उसके रोने के स्टाइल से, कि अच्छा ये तरीके से या इस साउंड में थोड़ी सी ऐसी साउंड आ रही है तो ये इसकी हैप्पीनेस की साउंड है, ये रोने की साउंड है, या रो इसलिए रहा है। तो हम धीरे धीरे करके वो जो रोने वाली साउंड है वो मीनिंगफुल होती जाएंगी हमारे लिए। ओके, तो क्राइंग जो कि शुरू में अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगी, फिर जो है वो डिफ्रेंशिएट हम उसको कर पाएंगे 6 महीने, जब बच्चे को हो जाएंगे 6 महीने का हो जाएगा तब वो एक बैबलिंग स्टेज में एंटर करता है। बैबलिंग मतलब मतलब वो कॉन्स्टेंट जो कॉन्सोनेंट है हमारे या वोवल है उनकी अलग अलग रिपीट करना शुरू करेंगे वो बैबलिंग में। ओके, तो वो क्या होता है, मतलब शुरुआत में जो करते हैं वही, आप लोगों ने बच्चे तो ऑब्जर्व किए ही होंगे, बैबलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा, बट बैबलिंग मतलब वो रिपीटेशन करना शुरू करेंगे जो हमारे कॉन्सोनेंट और वोवल है उनकी। ओके, जब अब 9-1 महीने तक, 6 के बाद और 9 महीने तक बच्चा जो ये रिपीट कर रहा है ना साउंड्स को, वो इलेबोरेट होती जाएंगी, जैसे डा 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 डा, मतलब वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेटिव पैटर्न्स हो जाएंगे उसके। तो वो जो रिपीटेटिव पैटर्न्स में चीजें चेंज हो रही हैं, इसको इकोलालिया भी बोलते हैं, जैसे इको क्रिएट हो जाती है ना कि आपको वो चीज रिपीटेडली सुनाई देती, तो ये रिपीटेडली बोल रहे हैं तो इसको इकोलालिया बोलते हैं। अराउंड फर्स्ट बर्थडे, यानी जब वो 9 महीने के बजाय 12 महीने के अराउंड का बच्चा जब होगा, तब वो वन वर्ड स्टेज उसकी आ जाएगी, जैसे यूजुअली वो मा डा पा इस तरीके से बोलना शुरू करता है। ठीक है, सो ये जो अब ये जो अलग वन वर्ड स्टेज है, जो ये वर्ड्स हैं, अब ये एक से ज्यादा वर्ड्स को जब वो कंबाइन करेगा और कुछ सेंटेंस में फ्रेज में बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे होलो फ्रेज। ओके, 18 से 20 महीने की जो एजेस स्टेजेस हैं भाई, इनको लिख के आगे लिख लीजिएगा जो हाइलाइटेड पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। ओके, मतलब फर्स्ट बर्थडे अराउंड, यानी 12 महीने के आसपास वन वर्ड स्टेज आएगी, उसके बाद 18 से 20 महीने के आसपास टू वर्ड स्टेज आएगी। तो ये स्टेजेस देखिए, इन्होंने ना अबाउट बोला है, इन्होंने एग्जैक्ट कुछ नहीं बोला कि 1 साल 2 महीने 12 महीने, कुछ भी, अराउंड एंड अराउंड। तो जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो अराउंड एंड अराउंड के हिसाब से देखिएगा। तो दो टू वर्ड स्टेज आ जाएगी, 18-20 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो दो वर्ड्स एक साथ बोलना शुरू कर देगा। टू वर्ड स्टेज एग्जाम्पलीफाई टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच जैसे टेलीग्राम में चीजें यूज होती हैं, जैसे गॉट एडमिशन, सेंड मनी, क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स है जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे उसके पैसे लगते थे ना, तो आप कम कम चीजों में बताना चाह रहे हैं ज्यादा चीजें। तो यहाँ पे जो टू वर्ड स्टेज है वो किसका एग्जाम्पल बोला जा सकता है, टेलीग्राफिक स्पीच का। जैसे ही बच्चा 3 साल का अराउंड होने को होगा या बियॉन्ड, मतलब 2.5 साल से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, और जब वो चीजें सुनेगा तो वो रूल्स या वो जो भी चीजें उसको समझाई जाएंगी वो भी वो ध्यान में रखेगा। ओके, और यही हमने शुरू में बोला था कि 2 से 3 साल की स्टेज तक जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसी में B.F. स्किनर ने बोला कि लैंग्वेज जो है बच्चे उसी तरीके से सीखते हैं जैसे जो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, कि जो पिक कर रहे हैं, जो प्रेस कर रहे हैं बार्स को, स्किनर ने भी तो एक्सपेरिमेंट किया था ना, लर्निंग थियरी हम कर चुके हैं, सो वहीं से कनेक्ट हो रही है ये चीजें, कि जैसे वो चूहे ने रिएक्ट किया था या जैसे एनिमल्स रिएक्ट कर रहे थे ना, वैसे ही बच्चे जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिंग्विस्ट नाम चॉम्स्की हैं, नाम इनका प्रोनंसिएशन देख लीजिएगा, पर चॉम्स्की बोलते हैं मोस्टली, सो नाम चॉम्स्की जो है, इन्होंने एक चीज सामने रखी, जब स्किनर ये बोल रहे हैं कि जैसे एनिमल्स लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही सीखेंगे बच्चे भी। ओके, तो मतलब लर्निंग से जोड़ दिया इन्होंने कि सीखेंगे लैंग्वेज को, बट नॉम चॉम्स्की बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है उसका वो इनेट होता है बच्चे में, मतलब जन्म से ही है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, आप नहीं सिखाएंगे तो भी उसको आ जाएगी,
ओके, तो ये किसने बोला? नॉम चॉम्स्की ने। इनका नाम याद रखना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? फॉर हिम द रेट एट विच चिल्ड्रन एक्वायर वर्ड्स एंड ग्रामर विदाउट बीइंग टॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय लर्निंग प्रिंसिपल, कि जब बच्चों को हम नहीं सिखा रहे तो उस टाइम पे अगर वो चीजें अपने आप सीख रहे हैं, उनको अपने आप आ रही हैं, तो जो लर्निंग प्रिंसिपल है उनसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन्होंने जब जाके ये रीजन दिया कि मतलब उनके अंदर पहले से ही है वो चीजें, चाहे उन्होंने कोई सेंटेंस पहले ना भी सुना हो तो वो भी फिर भी सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। वो इमिटेट नहीं कर रहे, अब नया सेंटेंस बना रहे हैं जो कि उन्होंने कभी नहीं सुना था। तो ये कहां से आया? ये जन्मजात है उनके अंदर, इननेट है। ओके, चॉम्स्की ने ये बिलीव कर लिया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे फिजिकल मैच्योरेशन होता है ना, कि आप बड़े होते जाते हैं, मतलब अगर एडिक्वेट केयर दी जाए, इट जस्ट हैपन्स टू द चाइल्ड, मतलब हो जाता है ऐसे ही अपने आप। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि चिल्ड्रन जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं और उनको सारी चीजें पता होती हैं, बस धीरे धीरे वो ग्रामर जो है, वट एवर लैंग्वेज दे हियर, जो भी वो लैंग्वेज सुनेंगे वो उनको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल स्किनर और चॉम्स्की ने क्या डिफ्रेंशिएट किया चीजें, अगर हम देखें, स्किनर एम्फेसिस कर रही है लर्निंग के ऊपर, कि लर्निंग एक्सप्लेन कर रही है कि बच्चे जो हैं दे हियर एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड्स टू द वोकैबुलरी, कि कई नई चीजें वो कैसे ऐड करते हैं अपने बोलने में, या क्या कौन सी लैंग्वेज जो सुन रहे हैं उसको कैसे एक्वायर करते हैं, लर्निंग से एक्वायर करते हैं। बट उसी चीज पे चॉम्स्की बोल रहे हैं कि ये बिल्ट इन रेडीनेस है, कि वो उनको अंदर से ही है वो रेडी ग्रामर सीखने के लिए, इसीलिए हम डायरेक्टली उनको नहीं सिखाते, टीच नहीं करते, तो भी उनको वो लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। ये कंप्लीट जो है हमारा थिंकिंग का चैप्टर था, जिसमें लैंग्वेज और थॉट भी जो है वो इन्होंने इंक्लूड कर रखा था। सो इसको अच्छे से करके नोट्स बना लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है देन प्लीज डू फीडबैक, मतलब एक वो गिव फीडबैक वाली सिचुएशन है ना, तो प्लीज डू गिव फीडबैक और मुझे बताया कीजिए कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।